नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ पांच पौधे जो कि आपको स्वस्थ निरोग रखेंगे, हमेशा सदा सदा के लिए रखेंगे। तो वो पांच पौधे कौन से हैं, लेकिन पांच पौधे दिखाऊं इससे पहले मैं बता दूं आपको कि ये पांच पौधे ऐसे मेडिसिनल वैल्यू वाले हैं, ऐसे मतलब औषधीय गुणों से भरपूर हैं जो आपके शरीर की जितनी गंदगी है, गंदगी का मतलब ये नहीं कि साबुन से धो लिया नहा लिया तो वो गंदगी निकल गई, जो इंटरनल जिसको टॉक्सिन बोलते हैं, हम जो खाना खा रहे हैं कहीं ना कहीं केमिकल है या कोई ना कोई गड़बड़ी की वजह से गैस, एसिडिटी और बहुत सारी बीमारियां जैसे कि शुगर है, थायराइड है, अस्थमा है, पता नहीं कितने, और फिर इन सबको जन्म देती है, ये जो सारी मिलके हैं जन्म देती हैं कैंसर को। तो ऐसी चीजों को कैसे दूर किया जा सकता है, पांच पौधे आपको बता रहा हूं। इन पांच पौधे का रेगुलर इस्तेमाल आप करेंगे अपनी जिंदगी में, ये सारी चीजें आपकी निकल जाएंगी। और साथ ही साथ ऐसे समय पे मैं बता रहा हूं, अब आ गया हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल दिवाली। सबसे बड़ा त्योहारों में त्योहार आता है दिवाली का, जो कि कुछ 7-8 दिन या 9 दिन रह गए हैं। तो इस दिवाली पे आप प्रण लें कि मिठाई और ये और वो देने की बजाय ये पांच पौधे जो मैं बताऊंगा, इन पांच पौधों का जो है गिफ्ट स्वरूप, उपहार स्वरूप लोगों को दें, या कोई ऐसा पौधा दें जो ऑक्सीजन गिविंग हो, ताकि वो हमेशा उनके घर में रहे, उनके स्वास्थ्य को ठीक रखे, ऑक्सीजन की कमी को पूरा रखे और आपका नाम लेते रहेंगे। ये भाई साहब दे गए थे, या ये मेरे अंकल दे गए थे, आंटी दे गए थे, दादा दे गए थे, दादी दे गए थे, कोई भी है तो वो आपको याद किया जाएगा। लेकिन ऐसी चीजें हैं खाया पिया और ख़त्म, 4 दिन बाद भूल जाते हैं, लेकिन जीता जागता पौधा देंगे आपके जो भी रिलेटिव हैं, जो भी मित्र हैं, दोस्त हैं, वो स्वस्थ भी रहेंगे और वो पौधा जिंदा रहेगा तो आपका नाम हमेशा हमेशा चलता रहेगा। तो आइए जानते हैं कौन सा पौधा है, पाँच पौधे बताऊँगा, उसके क्या गुण हैं और उसको हमें कैसे इस्तेमाल में लेना है ताकि हम स्वस्थ, फिट और मस्त रह सकें, बीमारियों से कोसों दूर रह करके अपना जो है निरोगी जीवन जिए। तो दोस्तों, ये जो पौधे मैं दिखा रहा हूँ, ये पौधे देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 पौधे लिए। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से 5 छांटे हैं जिनको आपने डेली इस्तेमाल में लेना है। तो सबसे पहले ले लेते हैं सुंदर पतले से पत्तों वाला पौधा। कई लोग इसको घास समझते होंगे, लेकिन जो जानते हैं इसके गुणों को, वो अद्भुत पौधा है ये। तो ये पौधा जो है, सबका पहले मैं नाम बता दूं, फिर एक एक करके आपको इसका इस्तेमाल और बेनिफिट बताता हूं। देखिए, सबसे पहला पौधा जो हमने लिया है रोजमेरी। रोजमेरी गुलाब की खुशबू देता है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है। एंटी एजिंग एंटीऑक्सीडेंट का क्या मतलब है, हमारे बॉडी के अंदर जो है मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, सारी जो गंदगी है उसको डिटॉक्स करता है। और एंटी एजिंग का मतलब ये जो है हमारे एज को बढ़ने से रोक देता, कहने को मतलब झुर्रियां है या एज जैसे जैसे जा रही हैं आपकी, बढ़ रही है, उम्र बढ़ती है तो आप में कमियां आ जाती हैं और शारीरिक कमजोरी, नसों की कमजोरी, ये सभी को कंट्रोल में करता है। तो ये पौधा हो गया। दूसरा पौधा है अकरकरा। ये देखिए, इसके ऊपर जो एक फूल लगा है, ये आपको एक फूल पूरे आदमी को हिला देता है। इसकी मैं डिटेल से देता हूँ कि क्या यूज़ हम कर सकते हैं इसका। तीसरा है हनी वेजिल। शहद की खुशबू लिए और शहद के गुण लिए ये पौधा ऐसा है। चौथा है हमारा लौंग वेजिल। लौंग वेजिल क्या है, लौंग मतलब लंबे वाला नहीं, जो घर में लौंग यूज करते हैं मसाले में, उसकी फ्रेग्रेंस और उसकी जो ओरिजिनल टेस्ट वो ये प्रोवाइड करता है। अगला पांचवा पौधा हमारा है, ये देखिए, मेंथोल, पेपरमिंट या मेंथोल, जो आप माउथ फ्रेशनर खाते हैं ना, माउथ फ्रेशनर मेंथोल वाला जो च्युइंगम हो गया या मेंथोल माउथ फ्रेशनर हो गया, तो वो तो जो है एसेंस होता है, लेकिन ये खुद ब खुद उसका पत्ता है। एक पत्ता आप खाएंगे, सारी मुंह की फ्रेशनेस और साथ के साथ जो हमारी जो फूड पाइप जा रही है उसकी क्लीनिंग भी ये साथ के साथ करता चला जाता है। आप जाते होंगे कभी दांतों के डॉक्टर पे जाएंगे तो लिस्ट्रीन ये वो देता है, तो वो सारा जो है मीठा और एसेंस डाल के होता है, लेकिन यहाँ पर ये पौधा ओरिजिनल है और इसका भी यूज़ मैं बताऊँगा कि कैसे कैसे इस्तेमाल आपने करना है। तो ये पांच पौधे दोबारा से नाम गिना देता हूँ, रोजमेरी, अकरकरा, हनी वेजिल, लॉन्ग वेजिल और पेपरमिंट या मेंथोल। तो ये पांच पौधे हैं। अब सबसे पहले आते हैं हम इस पौधे के ऊपर,
कि ये क्या काम करता है और कैसे लेना है। ये एंटी एजिंग एंटीऑक्सीडेंट है, इसको किसी भी रूप में आप ले सकते हैं। आप सब्जी बनाते हैं उसमें गार्निश करके खा सकते हैं, इसका काढ़ा बना के पी सकते हैं, या सुबह सवेरे चाय बना करके जो चाय है उसमें बॉयल करके ले सकते हैं। तो किसी भी रूप में ले सकते हैं और ये हमारी बॉडी को बहुत ही एंटी ऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ डिटॉक्स करता है बॉडी को और एंटी एजिंग का काम करता है। अब यही पौधा जो है इसके चंद पत्ते इटालियन फूड में डल के 5 स्टार 7 स्टार में जिस सब्जी पे डल गया उसकी कीमत 200 से 2000 हो जाती है। कहीं आमतौर पे मिलता नहीं है ये, लोग बहुत कम लोग इसको यूज़ में लेते हैं, सुनते जानते पढ़ते तो सभी हैं लेकिन पहुंचता नहीं है। तो ये हमने हजारों पौधा लोगों तक पहुंचाया है, हमारे पास अवेलेबल होता है। व्हाट्सएप करके लिखिए और ये आपको कुरियर से आपके घर पर मिल जाता है। कॉस्ट भी कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत ही नॉमिनल सा कॉस्ट है। इसका इस्तेमाल इन रूपों में कर सकते हैं। साथ ही साथ जिनके बाल झड़ते हों, बाल बढ़ते ना हो, इसको पीस करके और इसका जो रस है बालों में स्कैल्प पे अपने लगाएंगे, बाल बढ़ने शुरू हो जाएंगे, बाल झड़ने रुक जाएंगे और इनके बाल नहीं उगते हैं वो बाल भी उगने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक हो गया। दूसरा अकरकरा। अकरकरा का क्या काम है? देखिए ये अकरकरा जो है ऐसी चीज़ है कि मुँह की जो हमारी टेस्ट बर्ड्स हैं जिनको टेस्ट और स्मेल की समस्या है नहीं आती है, या टेस्ट बर्ड्स तो आज सभी के बंद है क्योंकि केमिकल वाली चीज़ें खा खा करके हमारे टेस्ट बर्ड बंद हो चुके हैं। टेस्ट बर्ड बंद होने से क्या होता है, सलाइवा जो लार है वो आनी कम हो गई है। लोग कहते हैं तरी वाली सब्जी होनी चाहिए या फिर खाने के साथ पानी होना चाहिए। तो ऐसे में क्या है, ये एक फूल आप खाएंगे और मात्र 2 मिनट के अंदर आपके मुंह में असर शुरू करेगा और पूरे टेस्ट बर्ड को खोल के सलाइवा की बिल्कुल धार से निकाल देगा। अब सलाइवा क्या काम करता है, क्या होता है, लार क्या होती है, खाने के साथ मिक्स होकर के वो लार हमारे पेट में जाती है और डाइजेशन, खाने को डाइजेस्ट करने में उसका अहम रोल होता है, मेन रोल होता है। लेकिन वो सलाइवा ही नहीं बन रहा है जिससे डाइजेशन की प्रॉब्लम, गैस, एसिडिटी और जो कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें हमारी पैदा होती है। तो ये एक मुँह से स्टार्ट होता है, मुँह की प्रॉब्लम, चाहे पायरिया हो, दांतों में दर्द हो, कोई भी मुँह की दुर्गंध हो, उन सबको ख़त्म करने के साथ साथ ये हमारे डाइजेशन को भी बहुत बढ़िया इम्प्रूव करता है। इसको आप ऐसे ही चबा करके ले सकते हैं, पानी में ले सकते हैं। और बता दूं, कोई बच्चा तोतला हो उसको महीने दिन एक चबा दें तो उसकी जीभ सीधी हो जाएगी, तोतलापन दूर हो जाएगा। अब आता है ये हमारा हनी बेसिल। हनी बेसिल क्या है, इसको चाय में, दूध में, कहीं भी बॉयल करके आप ले सकते हैं और ये आपकी बॉडी को के टॉक्सिन्स को पूरी तरह से डिटॉक्स कर देता है, निकाल देता है, वाया यूरिन ये सारी बाहर आ जाती है। तो ये देखिए, ये लॉन्ग बेसिल जो है, लॉन्ग का टेस्ट, ओरिजिनल टेस्ट आपको आएगा और ये चाय में, दूध में बॉयल करके, काढ़े के रूप में बॉयल करके इसको ले सकते हैं। ये ऐसा है कि जैसे तुलसी हम मुंह में लेते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर मरकरी होने की वजह से हमारे दांतों को ख़राब करती है, तो इसमें मरकरी की मात्रा ना के बराबर है। तो इसलिए हम इसको मुँह में रख के जैसे खांसी हो रही है या गला ख़राब है तो उसमें भी बहुत बढ़िया इफ़ेक्ट देता है। तो इनके लेने के ये तरीके हैं दोस्तों। अगला हमारा आता है, ये पौधा है पेपरमिंट मेंथॉल। ये माउथ फ्रेशनर से लेकर के और हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का सारा काम करती है। इसको हम किस किस रूप में ले सकते हैं ये देखिए। इसको रूप में लेने का तरीका यही है कि आप इसके पत्तों को डायरेक्ट मुँह में ले सकते हैं या फिर चाय में या काढ़े के रूप में, किसी भी रूप में इसको ले सकते हैं। तो ये भी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का, और जो हमारी फूड पाइप है जहाँ तक भी जाएगा आप देखेंगे एक सनसनाहट सी लेते हुए उसकी क्लीनिंग करता हुआ चला जाएगा। तो ये 5 पौधे के यूजेस मैंने बताए हैं, तो ज़रूर अपने घर में लगाएं, अपने मित्रों रिश्तेदारों के घर में भी लगवाएं ताकि वो स्वस्थ, मस्त और अच्छा जीवन बिता सके। हैप्पी दिवाली दोस्तों। ये जो 5 पौधे मैंने बताए हैं, ऐसे हमारे पास बहुत सारे पौधे हैं और मेडिसिनल वैल्यू से भरे हुए हैं। ये हमारे पास अवेलेबल हैं, ये आप घर बैठे कुरियर के थ्रू मंगवा सकते हैं। और इनको क्या है, खाद जो देना है वो खाद भी ओरिजिनल होना चाहिए, कहने का मतलब जैविक होनी चाहिए पूरी तरह से, ताकि इसके जो गुण हैं वो पूरी तरह से ओरिजिनल आपको मिल सके और जो बेनिफिट आप चाहते हैं वो मिल सके। तो हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 9996928517, इस पे आप लिखिए मेडिसिनल प्लांट और आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी दोस्तों।